मंडियों से खरीद की गई गेहूं का उठान गोदामों के लिए होता है, उसके बाद किसान और आढ़तियों दोनों का भुगतान उठान जो है उठान के बाद ही होता है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों करी है मुझे समझ नहीं आती। उठान नहीं होना पूरी तरह से सरकार की नाकामी दर्शाता है। किसान की पेमेंट ना होना जो है ये सरकार की नाकामी है, नहीं है तो और क्या है। साथ ही साथ मैं ये प्रश्न जो पूछ रही हूँ इनका जवाब सरकार जरूर दे। आढ़ती को भुगतान की अदायगी का जो है इस बारी इन्होंने कोई पूल अकाउंट के माध्यम से करने के लिए आदेश दिए। ये क्यों किया गया ये पूल अकाउंट की कोशिश करी जा रही है। सीधा पैसा जो है वो आढ़ती को अगर दे दिया गया होता तो किसान की अभी तक जो है पेमेंट हो गई होती। आढ़तियों को ही जब नहीं पूरी तरह से पैसा दिया जा रहा, पूल अकाउंट के जरिए अगर आएगा तो फिर किसान की जोर जोर से बजा रहे हैं कि हमने इतना इतनी पैसे की भुगतान कर दिए। तीसरे नंबर में पूछना चाहती हूँ कि शुक्रवार तक 3 लाख मेट्रिक टन गेहूं और 8 लाख मेट्रिक टन सरसों की खरीद हुई। अब तक हुई सरसों और गेहूं की खरीद को कुल अब कृषि मंत्री हमें ये बताएं कि उनके मुताबिक दोनों की 11 करोड़ पेमेंट हुई है जबकि ये पैसा करोड़ अभी तक पहुंचा है।